टेलीविजन की दीवा यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी ने एक बार फिर से तोड़ी अपनी चुप्पी, जहां अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके अपने प्रताप यानी कि शरद मल्होत्रा चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दिव्यांका ने बयान किया कि कितना मुश्किल था उनके लिए ये ब्रेकअप के बाद का सफर। There was a phase where I was unable to come out of it, क्योंकि I was like, मुझे लग रहा था मुझसे किसी ने ऑक्सीजन छीन लिया है मेरा। I was drowning. I was like, मुझे लग रहा था कि मेरे वर्ल्ड अंदर से ना बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है वर्ल्ड का, and I have nothing to hold on to, because everything was this one person I was latching on to. कुछ और नहीं था, फैमिली से मैं उतना इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, मम्मी लोग आते थे कभी तो उसमें एक आधो दिन के लिए, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होता था उनके लिए, आई हैड नोबडी। तो बहुत मुश्किल फेज था, लेकिन आई हैव कम आउट ऑफ इट ब्यूटिफुल आई थिंक, बिकॉज मैंने एहसास किया कि अगर उस इंसान को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो सिर्फ मैं उसको होल्ड ऑन करती रहूँ या मैं सिर्फ मैं ही अगर पीछे भागूँ, इट डजंट मेक सेंस। सो आई हैड टू मूव ऑन, यू नो दैट्स हाउ लाइफ इज, यू कैन नॉट जस्ट keep dangling over there like a pendulum. नन्ही रूही की प्यारी इशिमा जहां अपने ऑन स्क्रीन कैरेक्टर में जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑफ स्क्रीन भी निकली। क्या कहना है आपका दिव्यांका के इस आउटबर्स्ट के बारे में, हम जानना चाहेंगे आपके कमेंट्स के जरिए। और हाँ, अपनी प्यारी दिव्यांका त्रिपाठी के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाय, आई एम दिव्यांका त्रिपाठी एंड यू आर वॉचिंग टेली मसाला।